हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे घरों में बोले जाने वाली, रोज जो बोली जाती है घरों में, वो इंग्लिश सीखेंगे। दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये इंग्लिश आपने सीख लिया जो घरों में हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर ही, वो अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो समझ लो आपको आधी इंग्लिश आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम घर पे रहते हैं तो बोलते हैं ना, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, चैनल नंबर 209 लगा दो, अपनी आंखें ख़राब मत करो, नाखून काटने वाला कहाँ गया, फ़ैन को दो पर रखो, सेब का छिलका उतार दो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दीवार पर सहारा मत लो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं इन पिंपल्स से परेशान हो गई हूँ। तो इस तरह से हम घरों पे यूज़ होने वाली इंग्लिश जो है आज सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो घरों में रोज यूज होने वाली इंग्लिश सीखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। तो हम लोग अलमीरा को हिंदी में अलमारी बोलते हैं, तब से अलमारी नहीं बोलना है, इंग्लिश में इसको अलमीरा बोलना है। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। अलमीरा को आधा खुला रखो, कीप द अलमीरा हाफ ओपन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कीप द अलमीरा अजार। अजार का मतलब भी होता है आधा खुला। अलमीरा को पूरा खुला रखो, कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो, कीप द डोर हाफ ओपन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कीप द डोर अजार। दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर फुल्ली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, या कीप द डोर पार्टली ओपन। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा, कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप। इधर उधर बिखेरने के लिए मेस अप का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, या पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अलमीरा बंद कर दो, क्लोज द अलमीरा। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, या शट द डोर। दोस्तों, हम दरवाज़ा बंद करने के लिए शट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लोज का भी। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। दोस्तों, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो में शट द माउथ व्हाइल ईटिंग कहा गया है, और खाते वक्त अपना मुंह बंद करो में क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग, मतलब उसका मतलब होता है कि आप ऐसा खाओ कि आपके मुंह के अंदर का भाग ना दिखे, इसमें क्लोज लगाएंगे। और शट मतलब बातें ना करो, आप बातें करते हुए मत खाओ, चुपचाप खाओ। कपड़ों को कील पर लटका दो, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। यहाँ पर एक कील लगा दो, हैमर अ नेल हियर, या इंसर्ट अ नेल हियर। मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ गया, वेयर इज द नेल कटर, वेयर इज द नेल क्लिपर। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। यहाँ पर नहीं मिल रहा है के लिए हम आई कांट फाइंड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो, तो पुट द क्लोथ्स इन द सन, या पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर का मतलब होता है जो क्लीन करता है किसी चीज़ को, सफाई करता है। द सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। आज नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। संतरा छील दो, संतरे का छिलका उतार दो, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज,
फ्रेंड्स, यहाँ पे छीलने के लिए हम पील का इस्तेमाल करते हैं। पील एक्चुअली में फल के जो ऊपर का छिलका होता है उसको बोलते हैं, इसलिए हम रिमूव का बात करते हैं यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर रिमूव की बात करते हैं कि रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज या पील ऑफ द ऑरेंज। सेब का छिलका उतार दो। अभी सेब का छिलका उतारना हो तो वहाँ पर छिलका, सेब का छिलका उससे चिपका रहता है, अलग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम रिमूव द स्किन का इस्तेमाल करेंगे। तो रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। केला छील दो। रिमूव द पील ऑफ द बनाना या पील ऑफ द बनाना। सिर पर तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। यहाँ पर दोस्तों मैसेज की स्पेलिंग अलग है, तो यहाँ पर मैसेज करने के लिए हम मैसेज हिम बोल सकते हैं या टेक्स्ट। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू मैसेजिंग मी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हाई आर यू टेक्स्टिंग मी। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। टीवी ऑन कर दो। स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द टीवी या टर्न ऑफ द टीवी। आवाज़ बढ़ा दो। इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो। डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन, या बोल सकते हैं हम कि लोअर द वॉल्यूम। कलर्स लगा दो, यानी कि कोई भी टीवी की चैनल का नाम होता है उसको लगाने के लिए बोलते हैं, तो ट्यून इनटू द कलर्स। ट्यून का इस्तेमाल हम करते हैं, ट्यून इनटू कलर्स। सोनी लगा दो। ट्यून इनटू सोनी। 98.3 एफएम लगा दो। ट्यून इनटू 98.3 एफएम। 209 लगा दो। ट्यून इनटू 209, यानी कि 209। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो। कीप द टीवी ऑन या कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो। डू नॉट स्पॉइल योर आइज। डू नॉट रियून योर आइज या Do not damage your eyes। हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं दोस्त। रियून का मतलब यहाँ पर होता है ख़राब करना या बर्बाद करना। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आँखें ख़राब कर सकता है। Watching TV too much may damage your eyes। बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आँखें ख़राब कर सकता है। Watching TV too closely may damage या ruin या spoil your eyes। यहाँ पर डैमेज, रुइन और स्पॉइल तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। अब ये पंखा चलने की बात करेंगे हम। अगर पंखा को बंद करने या चालू करने की बात करेंगे या कम ज़्यादा करने की बात करेंगे तो फैन ऑन कर दो। स्विच ऑन द फैन। फैन ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द फैन। पंखा तेज चल रहा है। द फैन इज रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। यह आवाज क्यों कर रहा है, व्हाई इज इट मेकिंग नॉइज। शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज मेल फंक्शनिंग। इसे ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करवा दो। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। रेगुलेटर को दो पर लगा दो। कीप द रेगुलेटर एट टू। इसे पाँच पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। कीप इट एट फाइव, इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड। फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या स्पीड अप द फैन बोल सकते हैं हम। स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड या रिड्यूस द स्पीड। फैन की स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन, या हम कह सकते हैं स्पीड डाउन द फैन। मेरे पास एक एम आई मोबाइल है।
आई हैव एन एम आई मोबाइल, मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन, मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है, माई मोबाइल इज़ अ चाइना मेक, मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है, माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट पिक्चर क्वालिटी इज पैथेटिक, लेकिन तेरा बढ़िया है, 10,000 का है लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है, योर्स इज़ बेटर, इट्स ओनली फॉर 10,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम, मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है, माई मोबाइल हैज़ अ 42 मेगापिक्सल कैमरा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, माई मोबाइल्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन, मैं इसे ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, 4,500 रुपया लग रहे हैं, इट इज़ कॉस्टिंग 4,500 रुपीज़, इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा, इट्स बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल देन, आई वुड रेदर बाई अ न्यू मोबाइल, इन दोनों सेंटेंसेज में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा, अ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम 10,000, दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, इट स्पॉइल्स योर आइज, इट रूइंस योर आइज, इट डैमेजेस योर आइज, बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर सही कर लो, प्रिपेयर द बेड या मेक द बेड, मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक करने दो, माई रूम इज मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट, मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, क्या मैं फैन चला दूं? डू आई स्विच ऑन द फैन? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टूडे या इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टूडे, आज कड़क कड़ाती ठंड है, इट्स अ बिटर कोल्ड टूडे या इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टूडे, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लीजेंट, इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल या इन्वर्टर इज़ मल फंक्शनिंग, दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, अलमीरा पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा, इस पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट इट, कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश या एज यू प्लीज, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, कृपया अपने आप ले लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, जैसे हम बोलते हैं ना यार वो ज़रा उधर से सामान देना, तो बोल सकते हैं कि कृपया अपने आप ले लीजिए, तो यहाँ इस्तेमाल हम करेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विथ दिस मेडिसिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी या आई एम फीलिंग डिजी, दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, हवा बंद है, द विंड इज स्टिल, दोस्तों हम बंद रहने यानी कि स्थिर के लिए हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें, प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, हम फोटो खींचते समय कहते हैं ना थोड़ा अच्छे से खड़ा रहो, स्थिर खड़ा रहो, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे, ये दवा खाली पेट ले लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक,
मौसम अचानक खराब हो गया है. द वेदर हैज सडनली टर्न्ड बैड. ओके फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस मैंने अभी दिखाए और आपको जितना भी सेंटेंस दिखाया गया, वो सारे के सारे सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जो आप जानते भी होंगे पहले से ही, और कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसका आप अनुवाद इंग्लिश में कर सकते हैं. थोड़ा बहुत ही ऐसे सेंटेंस होंगे जिसको आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप रट लेना. रट के रोज़ का रोज़ यूज़ करना. आप उसको यूज़ करोगे तो यूज़ करते करते देखना, आप एक महीने के बाद आपको आधी इंग्लिश तो ऐसी आ जाएगी. रोज़ के जो रूटीन में हम अपने घरों के अंदर बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, ये कर दो, वो कर दो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो सारी की सारी चीज़ें आप रोज़ इंग्लिश में आप बोलना शुरू कर दो, फिर देखना आधी इंग्लिश आपको आ जाएगी और फिर आधी इंग्लिश बाहर आप बोलने से हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स, और जिनको ज़रूरत है इंग्लिश की उनको आप शेयर भी किया कीजिए. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो इंग्लिश का मिस ना कर सके. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद.